नमस्कार मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जरूरी हो गया है क्योंकि आंकड़े जिस तरह से बिहार में बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार मौतें भी हो रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी ना होने की वजह से भी ये फैसला लिया गया है क्योंकि बिहार में लॉकडाउन होना अनिवार्य था विपक्ष की भी मांग थी वहीं सत्ता पक्ष की भी मांग थी बीजेपी लगातार चाह रही थी कि बिहार में पूर्णता फिर से लॉकडाउन होनी चाहिए जिस तरह से कोरोना के आंकड़े आ रहे थे इस चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी था और इसका फैसला मुख्यमंत्री ने आज ले लिया जिसके बाद फैसले के बाद प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गए विपक्ष ने तो हमला किया ही लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से अपील की है और हाथ जोड़कर विनती किया है कि जो लोग कोरोना के गाइडलाइन दिए गए हैं सरकार के तरफ से आदेश जारी किए गए हैं उसका पालन आप लोग करें नमस्कार आज बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है जो राज्य के लिए आवश्यक था मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे आप इन व्यवस्थाओं का पालन करेंगे वह कोरोना से बचाव में सहायक होगा हम सब लोग अपने अपने को कोरोना से बचाने में यदि सफल होते हैं तो हम समाज को कोरोना से बचा पाएंगे आप सब लोगों से मैं सादर आग्रह करता हूं कि कोरोना के लॉकडाउन के नियमों का आप सब लोग पालन करें धन्यवाद नमस्कार